सत्य सटीक बेबाक। जींद जिला मुख्यालय पर 23 फरवरी को आयोजित होने वाली प्री मैराथन को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसको सफल बनाने के लिए आज जिला मुख्यालय के लघु सचिवालय परिसर में अर्जुन अवार्डी ओम प्रकाश सहित 50 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पुलवामा हमले को लेकर हमारे देशवासियों में इतना गुस्सा है, इसकी बानगी अम्बाला में देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इसी बात को लेकर हमारे देशवासी गुस्से की आग में उबल रहे हैं। इसी गुस्से की एक वीडियो वायरल हुई है, जो है अम्बाला के कस्बे मुलाना से। यहाँ पर लोगों का गुस्सा कश्मीरियों के खिलाफ फूट पड़ा। मुलाना में ऐलान किया गया कि 24 घंटे के भीतर कश्मीरी छात्रों को बाहर निकालने का काम किया जाए। लोगों को गली गली में जाकर कश्मीरी छात्रों को घर से निकालने का आह्वान किया जा रहा है। पिस्तौल के बल पर होटल में लाइव लूट। जी हाँ, फतेहाबाद के बड़ोपल गांव स्थित रंगला पंजाब होटल पर देर रात बड़ी लूट। सफीदों मंडल के लोगों को अब पारिवारिक मुकदमों के लिए जींद नहीं जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने सफीदों कोर्ट में ही एडीजी कोर्ट लगाने की व्यवस्था कर दी है। सफीदों बार एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट से एडीजी कोर्ट सफीदों में शुरू करने की मांग की गई थी। जम्मू के पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना तरीके से हमले को लेकर कैथल में आज भूतपूर्व सैनिकों ने शहीदों के सम्मान में रोष मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैनिकों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द कड़े से कड़ा फैसला ले और आर पार का फैसला ले। आज महेंद्रगढ़ में पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रकट किया। फिर उन्होंने कॉलेज से विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए राव तोलाराम चौक पर पहुंचकर वहां पर पाकिस्तानी आतंकी जैश मोहम्मद का पुतला फूंका। शिवरतन गुप्ता के निवास स्थान पर उनकी माता स्वर्गीय भागीरथी देवी के निधन पर शोक जताया। इसके उपरांत पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, हमारी सभ्यता और संस्कृति में ये निहित ही है कि हम एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल हों। उन्होंने कहा कि शिवरतन गुप्ता के परिवार से हमारे पुराने संबंध हैं। आज उनकी माता के निधन पर हमने शोक व्यक्त किया है। गौकशी के लिए राजस्थान ले जा रहे गौधन को नूह सीआईए पुलिस ने गौ तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ACS TVSN प्रसाद हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन ने लॉन्च की मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप से दिव्यांग जनों को मिलेगी चुनाव से संबंधित तमाम सुविधाएं। पुलवामा की आतंकी हमले की घटना से जहां पूरा देश शोक में है, वहीं टोहाना के जनमानस को भी इस घटना ने बुरी तरह से आघात पहुंचाया है, जिसको लेकर आज टोहाना का जनमानस सड़कों पर उतरा।